गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब हम अच्छे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीढेर के साथ में। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ हम कुछ ना कुछ आपको आपकी बुक के माध्यम से, किताब के माध्यम से दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपको फिर से लेकर आए क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की जो किताब है, बुक है, उसका एक बहुत ही सुंदर सा, बेहतरीन, इंस्पायरेबल और बहुत ही प्रेरणादायक एक चैप्टर है, जिसका नाम है सिक्स वाइज मैन। सिक्स वाइज मैन यानी कि छः बुद्धिमान व्यक्ति। इनकी हम आपको एक कहानी लेकर आए बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहानी में एक गांव में छः लोग रहते हैं, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे और जहाँ भी बैठते थे अपनी बुद्धिमत्ता के गुण गाते थे। कहीं चौपाल बैठे हैं, कहीं चौराहे बैठे हैं, खड़े हैं, तो अपनी रंगते थे, किसी और की सुनना पसंद नहीं करते थे, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझा करते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि यार गांव में तो कुछ है नहीं, चलो कहीं बाहर शहर में कहीं कमाने धमाने के लिए चलते हैं, यहाँ से गुजर होने वाली नहीं है। तो छः के छः बोले, हम तो बुद्धिमान, हम तो कहीं भी कमा के खा लेंगे, और वो शहर के लिए रवाना हो गए। अब आप जानते हो कि गांव देहात में कच्चे रास्ते होते हैं, कहीं सवारी होती है कहीं नहीं होती है। अब तो हर जगह है लगभग, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पैदल का रास्ता ज़्यादा था, कहीं तांगे वांगे मिल गए तो मिल गए। अब वो छह व्यक्ति गांव से निकले, गांव के पास एक नदी पड़ती थी, नदी पार करके तब शहर का रास्ता जाता था। तो वो छह व्यक्ति जो थे नदी पार करके अगले, मतलब उस पार पहुँचे, तो उनमें से एक बोला, बोले भाइयों यार एक ऐसा करो कि देख तो लो, हम लोग पूरे हैं कि अधूरे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कहा डूब गया हो, है ना, अपनी गिनती कर लेते हैं। बोले हाँ भाई साहब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप गिन लो। अब एक ने गिना, बोले 1 2 3 4 5, खुद को नहीं गिना। बोले यार कमाल हो गया भैया। बोले क्या हुआ? बोले यार एक गायब हो गया, एक डूब गया लग रहा है, पाँच ही रह गए हम। बोले यार तुम्हें गिनना नहीं आता, चलो मैं गिनता हूँ। अब उसने भी गिना, 1 2 3 4 5, खुद को नहीं गिना। बोले बात तो सही करा भाई साहब, है तो पाँच, एक गायब हो गया लग रहा है। फिर इसी तरह से तीसरे गिना, चौथे ने गिना, पाँचवें ने गिना। अब काफ़ी देर को गिनते गिनते हो गए, वो पाँच ही बैठ रहे थे, क्योंकि जो कर रहा था खुद को नहीं कर रहा था, जो और बाकी बच्चे उनको कर रहा था। अब दूर से व्यक्ति सज्जन जा रहे थे, उन्होंने देखा कि काफ़ी देर से लोग आपस में कुछ काउंटिंग कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, कहीं परेशान है। ये बंदा आया बेचारा उनके पास, बोले भाई लोगों क्या है, कैसी आपको दिक्कत है, क्या परेशान दिख रहा है, क्या बात होगी भाई? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, बोले भाई साहब परेशानी कुछ नहीं, हम छह लोग आए थे गांव से, अब हम पांच रह गए, एक इसमें हमारा डूब गया बेचारा, हम पांच ही बैठ रहे हैं। बोले अच्छा पांच हो? बोले हाँ साहब पांच रह गए, एक डूब गया। उन्होंने कहा अगर हम गिनती पूरी कर दें तो? बोले अरे तो फिर हम आपसे बढ़कर हमको कौन होगा, बहुत बहुत हम आपके आभारी होंगे। हैं इस तरह से उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। अब उन्होंने क्या किया, इसमें तो कहानी में ये नहीं बताया, लेकिन पहले एक कहानी दास्तानों में सुनाते थे लोग, बुजुर्ग लोग। उसने कहा आप एक लाइन से खड़े हो जाइए सब, तो उनको सबको लाइन से खड़ा किया। उन्होंने एक टीप मारी, एक दूसरे को मारी चटाक, बोले 1 2, तीसरे मारी चट से, बोले 3, ऐसे ही 5 6 4 5 6 सब गिन दिए। बोले होगा 6 नहीं होगा है? बोले भाई साहब आपके तंत्र जादू है, आपने तो एक हमारा बना दिया भाई, हम तो 5 ही रह गए थे। तब उनको पता लगा ये वास्तव में बुद्धिमान नहीं है, ये मूर्ख हैं, इनको कोई पता नहीं, कुछ अकल नहीं है, और बनते थे केवल बुद्धिमान। ऐसे हमारे समाज में कुछ लोग बहुत बुद्धिमान बनते हैं, अपने आप को बहुत रुस्तम हिंद समझते हैं, लेकिन जब खकोला जाता है, उनके लिए ढूंढा जाता है, तो अंदर से खोखले निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम जिस लायक हों हमें वैसी ही बात करनी चाहिए, है कि नहीं? जितनी नॉलेज है उतने ही स्तर की बात करनी चाहिए, जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में हमें फालतू नहीं बोलना चाहिए। ये सब हमें इस कहानी से सीख मिलती है प्यारे बच्चों। तो अब हम आपको ये पढ़ाएंगे बुक, बहुत ही सुंदर कहानी है, इंग्लिश की कहानी है, एक एक वर्ड का आपको हिंदी बताएंगे, एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और इस कहानी से प्रेरणा लेने के लिए, कुछ शिक्षा लेने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, अपने फिर से एक चैनल के साथ में, आर पी पब्लिक स्कूल साथ में। और अपने अपने सारे बच्चे किताब खोल लेंगे अब हम, क्योंकि किताब पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा इस बुक के लेसन को, किस तरह से हम पढ़ते हैं, कैसे इसकी हिंदी निकालते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो अभी हमने जैसे बताया शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। तो ये चैप्टर क्लास फिफ्थ की बुक है, अत्यंत सीरीज की इंग्लिश रीडर, इसका ये चैप्टर नंबर 3 है। तो इसको आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हम हर बार बताते हैं जब भी आपको पढ़ाते हैं किताब के माध्यम से, कि किसी भी भाषा की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें उसके शब्दकोश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इससे, इसको शुरू करने से पहले चलिए इसके जो मीनिंग्स हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा जो शब्दकोश है इंग्लिश की जो नॉलेज है
उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, वृद्धि हो जाए। देखिए ये हैं इसके मीनिंग, ये इसके मीनिंग दिए हैं बच्चों ये वाले, तो ध्यान से समझेंगे इसमें किसका मतलब क्या है। और सबसे अच्छी बात है आपकी बुक में प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ, उच्चारण भी दिया हुआ है। जैसे वाइज का तो हिंदी में वाइज लिखा है, इसका मतलब भी लिखा हुआ है। कितने आराम से आप पढ़ सकते हो, अगर इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आती है तो हिंदी में इसको ये लिखा हुआ है, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। बार बार जब कोशिश करोगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, उंगली रख लेंगे सारे बच्चे जिनके पास बुक है अपनी वहीं पर खोल लेंगे वीडियो देखते देखते। तो पहला वर्ड लिखा है बच्चों वाइज, WISE वाइज, ये लिखा है वाइज। वाइज मीन्स होता है बच्चों बुद्धिमान। बुद्धिमान आप जानते हैं इसके अंदर बुद्धि होती है, जो दिमाग से काम लेता है, ध्यान से समझता है, करता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। फिर है डिसाइडेड, DECIDED। डिसाइड माने होता है निर्णय करना, और डिसाइडेड माने होता है निर्णय किया। यहाँ पर निर्णय लिखा हुआ है, डिसीजन माने निर्णय होता है, कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्म वही है। तो डिसाइड माने निर्णय किया। फिर लिखा है बच्चों जर्नी, JOURNEY। जर्नी माने यात्रा होती है, जैसे आप कभी कहीं गए होंगे उसको यात्रा कहते हैं, जर्नी कहते हैं, टूर भी कहते हैं कहीं कहीं। अगला वर्ड है बच्चों टुगेदर, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर माने होता है साथ या एक साथ, साथ साथ, कई मतलब होते हैं इसके। टुगेदर में साथ साथ भी कह सकते हो, एक साथ भी कह सकते हो, साथ भी कह सकते हो। फिर बच्चों लिखा है डीप, DEEP, डीप। डीप माने होता है गहरा, गहरा आप समझते होंगे अच्छी तरह से। अगला वर्ड है बच्चों रीच्ड, REACHED, रीच्ड। रीच्ड माने होता है पहुंचा। फिर है सेफ, SAFE, सेफ। सेफ मीन्स होता है सुरक्षित। फिर लिखा है बच्चों काउंट, COUNT, काउंट। काउंट माने होता है गिनना। फिर लिखा है मिसिंग, MISSING, मिसिंग माने होता है खो देना, खो गया, खोना, खोया हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर है ड्राउंड, DROWNED, ड्राउंड। ड्राउंड माने होता है डूब गया, यानी कि किसी पानी में डूबना, उसको ड्राउंड कहते हैं। फिर लिखा है बच्चों एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट माने होती है दुर्घटना, यानी कि कोई हमारे साथ अनहोनी हो जाती है, उसको दुर्घटना कहते हैं। फिर है रियली, REALLY, रियली। रियली मीन्स होता है वास्तव में, सच में, हकीकत में, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर लिखा है बच्चों फुलिश, FOOLISH, फुलिश। फुलिश माने होता है मूर्ख। देखो ये गलत लिखा है बच्चों, आप इसको सुधार लेंगे अपनी अपनी बुक में। ये फुलिश माने मूर्ख होता है, ये वास्तव में तो होता है रियली मीन्स, ठीक है। फुलिश में ही वास्तव में लिखा है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, छापने में दिक्कत हो जाती है, तो ये बच्चों होता है फुलिश माने मूर्ख। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपकी बुक में भी अगर गलत हो तो आप सही कर लेना बच्चों, इसको देख कर अच्छा वीडियो। तो फुलिश माने होता है मूर्ख। फिर है क्यू, क्यू माने होती है लाइन, QUEUE, क्यू माने लाइन होती है बच्चों, और लाइन माने भी लाइन होती है पंक्ति। फिर है शाउटेड, SHOUTED, शाउटेड माने चिल्लाया, शाउट में चिल्लाना, शाउट मीन्स चिल्लाया, सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से इसके मीनिंग आप बच्चों पढ़ेंगे, अपने शब्दकोश को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। चलिए हमें उम्मीद है आपको ये मीनिंग समझ में आए होंगे, आपके जो इंग्लिश का ज्ञान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी। चलिए अब पढ़ते हैं इसका लेसन यानी चैप्टर, बहुत ही सुंदर कहानी बच्चों, लेसन नंबर 3, और नाम है 6 वाइज मैन। 6 मीन्स 6, वाइज मीन्स बुद्धिमान, और मैन मीन्स होता है व्यक्ति या आदमी, यानी 6 बुद्धिमान लोग, 6 बुद्धिमान व्यक्ति, 6 बुद्धिमान आदमी, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये देखो चित्र भी दिख रहा है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये अपने आप को नहीं कर रहा है, इनको गिन के बताएगा 5 है। तो एक और व्यक्ति आता है, वो उनको गिन के बताता है, जैसे कि अभी हमने कहानी आपको समझाई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से उंगली रख लेंगे सारे बच्चे अपनी अपनी बुक की चैप्टर की पहली लाइन पर। तो पहला वर्ड लिखा है, देखो ध्यान से समझेंगे, वंस देयर लिव्ड 6 वाइज मैन इन अ विलेज। वंस माने एक बार, देयर लिव्ड मीन्स रहते थे, 6 माने 6, वाइज माने बुद्धिमान, मैन माने आदमी, इन माने में विलेज माने होता है गाँव। एक गाँव में एक बार 6 लोग रहते थे, 6 बुद्धिमान आदमी रहते थे। वन डे माने एक दिन, दे डिसाइड, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ डिसाइडेड होना चाहिए, या डिसाइड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रेजेंट में होगा। दे डिसाइड, वो निर्णय करते हैं टू गो जाने का, ऑन अ जर्नी, एक यात्रा पर। एक दिन वे एक यात्रा पर जाने का निर्णय करते हैं। दे सेट आउट टुगेदर, दे माने वे, सेट आउट माने होता है चल पड़े, निकल पड़े, जाना शुरू कर दिया, और टुगेदर माने होता है साथ साथ, उन्होंने साथ साथ एक साथ जाना शुरू कर दिया या निकल पड़े यात्रा के लिए। ऑन द वे माने होता है रास्ते में, ऑन द वे मीन्स बच्चों रास्ते में। दे केम टू अ रिवर,
दे मीन्स वे केम ऑन एट टू अ रिवर, माने एक नदी पर। रास्ते में वे एक नदी पर आए विच वाज डीप, विच माने जो, यानी कि नदी, वाज माने थी, डीप माने होता है गहरा, यानी कि जो बहुत गहरी नदी थी उस नदी पर पहुंच गए। देयर वाज नो बोट, देयर वाज माने थी, नो माने कोई नहीं, बोट माने होती नाव, वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। सो इसलिए दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर, दे माने उन्हें हैड टू स्विम अक्रॉस, हैड टू स्विम माने होता है स्विम अक्रॉस का होता है तैर के पार करना, हैड माने पड़ी, हैड टू माने पड़ी, यानी कि इसलिए उनको जो नदी थी वो तैर कर पार करनी पड़ी। दे ऑल रीच्ड द अदर बैंक ऑफ द रिवर, दे ऑल माने वे सब, रीच माने पहुँचे, अदर माने दूसरे बैंक माने किनारे पर, ऑफ द रिवर माने नदी के, वे नदी के दूसरे किनारे पर तैर तैर कर पहुँच गए। आर वी सेफ, सैड वन ऑफ देम, सैड माने कहा, वन ऑफ देम माने उनमें से एक ने, उनमें से एक ने कहा आर वी सेफ, क्या हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, चेक कर लो भाई, देख लो हैं पूरे नहीं हैं, कोई डूबू तो नहीं गया, इस तरह से उनमें से एक ने कहा। लेट अस काउंट एंड सी, सैड द अदर, सैड मीन्स कहा, अदर माने दूसरे ने, दूसरे ने कहा लेट अस काउंट, चलो गिन लेते हैं, एंड सी और देखते हैं, चलो गिन के देख लेते हैं कि पूरे हैं कि नहीं हैं। द फर्स्ट वाइज मैन काउंटेड, द फर्स्ट माने पहले, वाइज माने बुद्धिमान, मैन माने आदमी ने, काउंटेड माने गिना, पहले आदमी ने गिना 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, उसने अपने आप को नहीं गिना। ही डिड नॉट काउंट हिमसेल्फ, ही माने उसने डिड नॉट काउंट माने नहीं गिना, हिमसेल्फ माने अपने आप को, उसने अपने आप को नहीं गिना, स्वयं को नहीं गिना, सामने पाँचों को गिन लिया। ही काउंटेड ओनली अदर्स एंड सैड, ही माने उसने काउंटेड गिना ओनली अदर्स, केवल दूसरों को, एंड सैड और कहा, उसने केवल दूसरों को गिना जो सामने थे पांच, एंड सेड और कहा लुक देखो वन ऑफ अस इज मिसिंग, वन ऑफ अस माने हमें से एक, इज माने है मिसिंग माने गायब, हमें से गायब है, एक ही डूब गया भैया लग रहा है। देयर आर ओनली फाइव ऑफ अस हेयर, देयर आर माने हैं, ओनली माने केवल, फाइव माने पांच, ऑफ अस माने हमें से, हेयर माने यहाँ, यहाँ तो हमें से केवल पाँच ही हैं और हम आए थे छः, एक गायब है। देन तभी द सेकेंड वाइज मैन काउंटेड, फिर क्या हुआ, एक सेकंड वाइज माने सेकंड, दूसरे वाइज माने बुद्धिमान मैन माने व्यक्ति ने काउंट माने गिना, तब एक दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति था उसने गिना। ही आल्सो काउंटेड दैम फाइव, ही माने उसने आल्सो माने भी काउंटेड गिना दैम फाइव, उन पांच को, उसने भी उन पांच को गिना, अपने आप को उसने भी नहीं गिना। ही सेड, उसने कहा यस हाँ यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट, तुम्हारी बात ठीक है। वन ऑफ अस इज मिसिंग, वन ऑफ अस हमें से एक इज माने मिसिंग माने गायब, तुम सही करो हमें से गायब है। वी वर सिक्स, हम छः थे, वी माने हम, वर माने थे, सिक्स माने छः, हम छः थे, वन ऑफ अस ड्राउंड, वन ऑफ अस हमें से एक ड्राउंड माने डूब गया, उसने कहा लग रहा है हमें से एक डूब गया। दस माने इस प्रकार ऑल दी वाइज मैन काउंटेड, ऑल माने सभी दी वाइज मैन बुद्धिमान लोगों ने काउंट माने गिना, इस प्रकार उन छइयों ने आपस में गिना। दे आल काउंटेड फाइव, दे आल उन सब ने, आल माने सब, दे माने वे, उन सब ने काउंटेड गिना फाइव माने पाँच, उन सब ने पाँच ही गिने। दे सैट डाउन अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर एंड बिगन टू क्राई, दे माने वे सैट डाउन, नीचे बैठ गए, अलोंग द बैंक माने किनारे पर, ऑफ द रिवर नदी के, फिर नदी के किनारे बैठ गए, एंड बिगन टू क्राई, बिगन टू क्राई माने रोने लगे बेचारे, अब उनको लगा कि हम आए थे छः गायब गए, तो रोने लगे। ओ आर डियर, वो माने अरे, और माने हमारा डियर माने प्यारा है, प्रिय, अरे हमारा जो प्रिय फ्रेंड था, फ्रेंड, वो सब चिल्ला रहे थे हमारा प्रिय दोस्त यू आर ड्राउंड, अरे तुम डूब गए, वो रो रहे थे अरे हमारे प्रिय दोस्त यू आर ड्राउंड। देखो ये यू कटा हुआ नहीं बेटे, इसमें काट दो किसी ने, ये सही है, यू आर ड्राउंड, तुम डूब गए हो, व्हाट शैल वी डू नाउ, हम क्या करेंगे, व्हाट माने क्या, शैल डू माने करेंगे, वी माने हम, नाउ माने अब हम क्या करेंगे, अरे दोस्त तुम डूब गए। अ मैन फ्रॉम देयर विलेज, अ मैन माने आदमी, फ्रॉम माने से, देर माने उनके विलेज माने गांव, उनके गांव से कुछ आदमी था, उसने सब ने देखा, दय माने उन्हें बीपी माने रोते हुए, उसने उनको रोते हुए देखा। ही आश दैम, ही उसने आश माने पूछा दैम उनसे, उसने उनसे पूछा वाई आर यू वीपिंग, वाई माने क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, बीपी माने रो रहे, तुम क्यों रो रहे हो। वन ऑफ दैम सैड, वन ऑफ दैम माने उनमें से एक ने सैड माने कहा, तभी वो छः लोग थे उनमें से एक ने कहा कि वी हैव एन एक्सीडेंट, वी हैव एन एक्सीडेंट का मतलब होता है हमारे साथ एक दुर्घटना घटी है, या हमारे साथ एक अनहोनी हो गई। वी हैव लॉस्ट वन ऑफ अस,
वी हैव लॉस्ट, माने हमने हैवलेस माने खो दिया, वन ऑफ अस हम में से एक को, हमने हम में से एक को खो दिया, यानी हमारे साथ जो हम छः थे उनमें से एक हमारे साथ ही खो गया है। वी वर सिक्स, वी माने हम वर थे, सिक्स माने छः, हम छः थे। वैन वी स्टार्टेड ऑन आवर जर्नी, वैन माने जब, वी माने हमने स्टार्टेड शुरू किया ऑन आवर जर्नी, जब हमने अपनी यात्रा जर्नी माने यात्रा शुरू की तो हम छः थे। नाउ वी आर ओनली फाइव, ना माने वी आर हम हैं, ओनली माने केवल, फाइव माने पाँच, अब हम केवल पाँच बचे हैं, हम जब घर से निकले थे तो छः थे। द विलेज काउंटेड दैम, द विलेजर बच्चों यहाँ पे विलेजर है, द विलेजर काउंटेड दैम, विलेजर माने गांव वाले ने, काउंटर माने गिना, दैम ने और गांव वाले ने उनको गिना। ही फाउंड, उसने पाया, देवर सिक्स की वो छः थे, दे माने वे वर्माने थे, सिक्स माने छः, उन्होंने पाया कि वो छः थे। दैन सरप्राइज ऑन देयर विजडम, दैन तभी सरप्राइज व आश्चर्यचकित हुआ, और माने पैर दर उनकी विजडम माने बुद्धि, वो उनकी बुद्धिमत्ता पर, उनकी बुद्धि पर बहुत अचंभित हुआ बेचारा आश्चर्यचकित, तो बोले अरे ये तो छः हैं, कह रहे हैं हम पाँच हैं, एक डूब गया, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य होना चाहिए। तो ही सैड टू हिमसेल्फ, ही माने उसने सैड माने कहा टू हिमसेल्फ, अपने आप से उसने अपने आप से कहा, दीज वाइज मैन आर रियली फुलिश, दी माने ये वाइज मैन माने बुद्धिमान आदमी, आर माने रैली माने वास्तव में, फुलिश माने मूर्ख, ये जो बुद्धिमान लोग हैं ये सब वास्तव में मूर्ख हैं, ये बुद्धिमान नहीं है। द विलेजर सैड, द विलेजर माने गांव वाले ने, सैड माने कहा, उस गांव वाले ने कहा कि आई विल ब्रिंग योर सिक्स्थ मैन बैक, आई माने मैं विल ब्रिंग लाऊंगा योर माने आपका सिक्स्थ माने छठा मैन माने आदमी बैक माने वापस, मैं आपके छठे व्यक्ति को वापस ले आऊँगा। स्टैंड इन अ क्यू, स्टैंड खड़े हो जाओ, इन माने में क्यू माने होती है लाइन या पंक्ति, एक लाइन में एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। आई शैल टेल यू योर नंबर, आई शैल टेल मैं बताऊँगा यू माने तुम्हें योर नंबर, तुम्हारी संख्या, मैं तुम्हारी संख्या के बारे में बताऊँगा। दे स्टूड इन अ क्यू, दे माने वे स्टूड खड़े हो गए, इन माने में क्यू माने लाइन या पंक्ति, वे एक लाइन में खड़े हो गए, एक पंक्ति में खड़े हो गए। द विलेजर टू द फर्स्ट मैन, द विलेजर गांव वाले ने टू द फर्स्ट मैन पहले व्यक्ति को गेव अ रैप ऑन हिज हेड, गेव अ रैप, रैप को मतलब एक हल्के से थपथपाया, थप्पड़ मारा कह सकते हैं, ऑन माने पर हिज हेड उसके सिर पे, उस गांव वाले ने उस व्यक्ति के सिर पर हल्के से अपना हाथ धीरे से मारा। विद हिज हैंड यानी अपने हाथ से थप्पड़ मारा, काउंटेड और गिना वन, उसने कहा इस तरह से मारा, बोले वन। ही गेव अ रैप ऑन द हेड ऑफ सेकेंड मैन, ही गेव अ रैप, उसने फिर से एक थप्पड़ हल्के से दिया ऑन द हेड सिर पर ऑफ द सेकंड मैन दूसरे व्यक्ति के, एंड काउंटेड और गिना टू। दस ही सैड, दस माने इस प्रकार, ही उसने सैड माने कहा, इस तरह से उसने कहा कि यू सी, यू माने आप सी देखते हो, तुम देखते हो कि यू आर सिक्स एंड नॉट फाइव, यू आर आप हैं सिक्स माने छः एंड माने और नॉट नहीं फाइव माने पाँच, आप छः हैं ना कि पाँच। फिर उसने गिना वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से सबको गिन के बता दिया थप्पड़ मार मार के हल्के हल्के से, और वो पूरे छः बैठे। दे ऑल शाउटेड विद जॉय, दे ऑल माने वे सब शाउटेड चिल्लाए विद जॉय माने खुशी से, वे सब खुशी से चिल्लाए जी लिखा देखो बच्चा है, हे 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 लिखा है, लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट। उन्होंने उस गांव वाले से कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम बिल्कुल छः हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा जो छठा व्यक्ति था वो वापस ला दिया। इस तरह से जो गांव के जो छह व्यक्ति थे वो दीमान अपने आप को समझते थे, बताते थे, वो वास्तव में मूर्ख निकले। तो प्यारे बच्चों हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरह से जो वो दीमान व्यक्ति समझते थे अपने आप के लिए वास्तव में दीमान नहीं थे। तो इस तरह से हमें भी जितना हमें ज्ञान है, जितनी हमें नॉलेज है, जो हमें जानकारी है, जितनी हमारे पास कहने का मतलब हमारे पास जो नॉलेज है, हमें उसी के आधार पर उसी के हिसाब से अपने मुँह से बातें निकालनी चाहिए, बोलना चाहिए। और अगर हम फालतू कहीं ना कहीं बोलेंगे जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बात पकड़ी जाती है। कहने का मतलब हद से ज़्यादा बोलता है या जितनी जानकारी नहीं उससे भी ज़्यादा बातें करता है तो कहीं ना कहीं वो हंसी का पात्र बन जाता है, और जो सामने वाले लोग जो सुन रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि वास्तव में ये एक तरह से कहते हैं ना खैचू है, तो खैचू उसके लिए समझते हैं, और उसके जबकि उसके अंदर कुछ होता नहीं, खोखला होता है वो। तो प्यारे बच्चों हमें अपनी जानकारी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से बोलना चाहिए, और कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए प्यारे बच्चों। तो हमें उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा, और हम आपको होमवर्क देते हैं कि आपके जो मीनिंग्स हमने आपको ये पढ़ाए थे ये आपको बच्चों ठीक से याद करने हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको
ये लिख के भेजने हैं, बताने कि हमने इतना याद कर लिए। और प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई पढ़ाई से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, अंग्रेजी से या हिंदी से, मैथ से संबंधित, आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए, तो आप वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, जिससे हम अपने चैनल पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के मांग के हिसाब से हम और भी वीडियोज़ अपने चैनल पर आपको भेज सकें, डाल सकें, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाए। तो प्यारे बच्चों, ये इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स का ध्यान रखिए, उसमें वीडियो कैसे लगी, और इसको लाइक करना ना भूलें। अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, और इसको खूब शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ठीक है बच्चों, अब हम इजाज़त चाहते हैं, अगली बार कल हम फिर आपको लेकर आएंगे ऐसी सुंदर सी कहानी, हिंदी की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को सुधारना है, आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए नमस्कार।